हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचली हाउसवाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आज बैठी हूँ अपने किचन में, और किचन में मैं बनाने जा रही हूँ एक अलग डिश। ये अलग डिश जो है वो ये वाले पत्तों की है। ये त्र्यंबल होती है हमारे, तो त्र्यंबली उसके पत्ते होते हैं, जैसे अंजीर होते हैं ना, उससे बड़ा फ्रूट होता है इसका, तो ये उसके पत्ते हैं। और ये वाले पत्ते जो है इनको बोलते हैं, जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसके जो आगे आगे नए नए पत्ते कोंपले आने वाले होते हैं, ये दोनों का मिक्स मैं सब्जी बनाऊंगी, पतरोड़े बनाऊंगी इनको, जैसे अरवे के बनते हैं ना पतरोड़े, वैसे वाले बनाऊंगी मैं। तो मैं इसके लिए मैंने ये वाले पत्ते लिए हैं, आधे ये लिए हैं, आधे ये वाले पत्ते लिए हैं, और ये जो भी हमारा मसाला वगैरह रहता है वो लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, पाउडर नहीं है, साबुत लाल मिर्च है, और तीन चार मैंने बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं, छोटा सा लहसुन ले लिया है, हरा धनिया भी। हरा धनिया का तो इसमें कुछ खास टेस्ट नहीं आएगा, बट जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा। और सबसे मेन बात के लिए है मैंने बेसन, तो बेसन के ही बनेंगे ये पत्तरोड़े। तो जैसे भी मैं बनाऊंगी इनको, इन पत्तों को मैं अच्छे से काट लूँगी। ये जैसे बड़ा सा पत्ता है, एक बड़ा सा पत्ता बचा लूँ मैं, 5-6-7 में जो है बड़े पत्ते बचा लूँगी, और ये छोटे छोटे पत्ते जो इनको मैं पूरा बारीक तरीके से काट लूँगी। फिर इनके ऊपर बेसन मसाला जो भी कुछ रहेगा वो सारा मिक्स बना के, मिक्सचर बना के, फिर उनको बड़े पत्ते में रख के, फिर इनको लपेट के, फिर इनको सीटी लगवाऊँगी। तो ये इस प्रोसेस से बनता है। मैं भी इनको पहली बार बना रही हूँ, मुझे मम्मी ने बताया कि इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इनको ट्राई कर लूँगी। तो अभी मैं करती हूँ इनको बनाना स्टार्ट। तो फिर ये मैं कैमरा एकदम, मेरे पास स्टिक नहीं है, सेल्फी स्टिक तो थी मेरे पास, थी पर मेरे हिताश ने तोड़ दी वो 4 ही दिन में, तो मुझे कैमरा फ़ोन कहीं इधर कहीं उधर रख के जो अपनी वीडियो बनानी पड़ती है। तो जैसे मेरी वीडियो बनेगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बनी रही मेरी वीडियो में। तो मैं बनाती हूँ ये वाली सब्जी। अभी मैंने इसको सारे पत्ते कट कर लिए हैं, उसमें मैंने प्याज डाल दिया है, ढेर सारा प्याज कुछ भी डालूंगी और मसाला वगैरह भी ऐड करूंगी। अब मैंने मिर्च बेसन, तो अभी मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, उसके बाद अजवाइन और जो भी मसाला वगैरह रहेगा, हल्दी हो गया, नमक हो गया, थोड़ा सा गरम मसाला, वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये गरम मसाला थोड़ा सा, और ये लास्ट में नमक ऐड कर रही हूँ मैं। टेस्ट तो इसमें कर नहीं सकते, बट जब मैं मिक्स कर लूँगी तब लास्ट में देख लेंगे कि हाँ वाला मशीन है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मुझे आइडिया नहीं आ रहा था कि हाँ कितना बेसन कितना डालना है इसमें, पहले तो मैंने इसको ऐसे ही मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर जब मुझे लगा थोड़ा सा पानी लगा के कि इसमें बेसन की कमी है, तब फिर मैंने इसमें और बेसन ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए आपस में, पत्ते वगैरह मसाला वगैरह। और ये मैंने कुकर में 3 कटोरी रखी थी नीचे, और 1 गिलास पानी का डाला मैंने इसमें, और ये 1 गिलास पानी का डाल दिया, और इसके बाद तेल डालूंगी इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर 2 ढक्कन रखूँगी ताकि ये जो मैं पतरोड़े बनाऊंगी वो नीचे ना चिपके तेल में या इसमें कुकर में। तो इसके बाद मैं बड़ा पत्ता ले लिया और उसके ऊपर मैंने मसाला रखा, और पर मुझे समझ नहीं आता, एक्चुअली मैं पहली बार बना रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा था, अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था मैं इनको कैसे बनाऊँ। तो मैंने इसमें पहले बहुत सारा मसाला डाल दिया, फिर जब ये पत्ता बंद हो ही नहीं रहा था मेरे से, तो मैंने इसमें से और, ये देखिए दूसरे साइड से मसाला निकालने लग गया, तो मैंने इसमें से और मसाला निकाला। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी मुझे ये पतरोड़े बनाने के लिए, मैंने और मसाला कम कर लिया इसमें से,
फिर मैंने पत्ता ऐसे करके रखा, तब भी नहीं सही बन रहा था। एक्चुअली मुझे समझ आ ही नहीं रहा था कि मैं कैसे क्या करूं, और फिर मन तो ऐसे किया कि मैं बनाऊं ही नहीं। पर फिर मैंने लास्ट में एक बार और कोशिश करके देखी और ये वाला मेरा पत्रोड़ा अच्छे से बन गया। तब फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि चलो इतनी जद्दोजहद के बाद कम से कम एक पत्रोड़ा तो बना। और फिर मैंने इसको धागे से बंद कर दिया पत्ते को, ताकि खुले ना, मसाला बिखरे ना। इस तरह से फिर मैंने ये पत्रोड़े बनाए, मसाला भर के पत्तों को धागे से बंद कर दिया। और ये मेरे पत्रोड़े बनके पूरी तरह से रेडी हो गए हैं। मैं इनको 4 या 5 बजे से लगाई थी, और 5 बजे से लगाई थी इनमें। पहले तो मुझे लगा ये कच्चे होंगे, बट जब मैंने इनको ठंडा करके खोल के कट करके देखा और ये मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, ये पत्रोड़े बहुत टेस्टी बने थे, लाजवाब बने थे। इनका इनके आगे के पीछे सब्जी फेल है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, पत्तों के पत्रोड़े। और ये था हमारा डिनर, ये मैंने ऑमलेट बनाए थे साथ में, और पत्रोड़े और साथ में रोटी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे अगर आप नए व्यूअर होंगे तो मेरे चैनल को